सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये लो बॉस, पूरे 50 पन्ने, यानी के 500 रुपए। अरे इतने में तो कंप्यूटर वाली टाइपिंग हो जाती है भाई। अरे बॉस, कंप्यूटर की टाइपिंग में भी तो मेहनत लगती है, वो कौन सा इजी है। तो तुम कंप्यूटर क्यों नहीं खरीद लेते भाई? पैसे किसके पास है बॉस? एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तुम क्या मेरे पास आते? आते क्या? फिर अच्छी बात, कितने 500 हुए ना। एक काम करो, 250 रुपए तुम अभी रख लो। 250 बाद में देता हूँ भाई। क्या मतलब? अरे पैसे होते तो मैं तुम्हारे पास आता। लो देखो ना। अरे अरे कल देता हूँ भाई, प्रोड्यूसर को सुना के आता हूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा अरे कल मिलते हैं भाई, कल मिलते हैं। यार मेहनत करके पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। मैं सोचता हूँ किसी करोड़पति लड़की को फंसा के उससे शादी कर लूँ और बाकी की जिंदगी आराम से जीऊँ। वैसे भी प्रोड्यूसरों के चक्कर लगाना मेरे बस की बात नहीं है। एक बात बताओ, अपन तो राइटिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते भाई। अरे बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो गई ना, उस दिन सारी इंडस्ट्री में टहलका मच जाएगा, टहलका। अच्छा हाँ, मतलब मेरा तो ये दावा है कि आज तक इंडियन स्क्रीन पर ऐसी फिल्म बनी नहीं। हाँ हॉलीवुड में बनी हो तो बात अलग है। मेरा थॉट जगह कि एक आदमी बैंकिंग आवर्स में बैंक में जाता है, लोगों के बीच में पुलिस की मौजूदगी में करोड़ रुपया निकाल के ले आता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। बोल। आइडिया तो धांसू है भीड़ू। अरे स्क्रिप्ट तो एकदम धांसू है, तू पढ़ेगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। पढ़। नहीं नहीं नहीं, पढ़ने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तू एक काम क्यों नहीं करता, तू जाके वो प्रकाश लालमानी से मिल। अरे वही जो सस्पेंस फिल्में बनाता है, उसको अपनी नई फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट के जोड़ते हैं, क्या पता तेरी बात बन जाए। अरे थैंक यू यार, प्रकाश लालमानी। कट इट। अरे जयंती भाई, तुम्हें मालूम है आज दिन भर में 12 सीन पूरे करने हैं, वो जहाँ से भूल जाए ना वहीं से कंटिन्यू कर लो आगे यार, नहीं तो 12 सीन पूरे नहीं होंगे दिन भर में। चलिए रिहर्सल और करते हैं। नमस्ते लालवानी जी। जी मेरा नाम कमलकांत मिश्रा, मतलब मेरा नाम कमलकांत मिश्रा है सर, और मुझे अजीत ने भेजा है सर। अजीत? अरे हाँ, वो स्ट्रगलिंग एक्टर। जी 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 जी, वो बता रहा था कि आपको नई फिल्म के लिए एक जबरदस्त स्क्रिप्ट की तलाश है सर। ये है मेरी स्क्रिप्ट। देख भाई, स्क्रिप्ट से पहले फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की। जी। तेरे पास है पैसा लगाने के लिए? जी जी, मतलब प्रोड्यूसर तो आप हैं सर, तो पैसा तो आप ही। अरे मैं कोई बेवकूफ हूँ अपना पैसा लगा के फिल्म बनाऊंगा मैं? अरे भाई देखो ना, वैसे भी नए राइटर पे कोई भी फाइनेंसर पैसा नहीं लगाता अपना, और मेरा तो डिस्ट्रीब्यूटर से पिछला ही कितना लेना बाकी। तेरे पास पैसा है तो पता। जी पर जी, मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर एक जबरदस्त आइडिया है सर, आप मेरा कंसेप्ट सुन लीजिए सर। सर एकदम नॉवेल्टी आइटम है सर। सर एक आदमी बैंक में दिन दहाड़े लोगों के सामने, पुलिस के सामने करोड़ रुपया लेके निकल जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता, कानो कान खबर तक नहीं होती, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। सर ये मेरा कंसेप्ट है सर। सर आप एक बार। वाह क्या आइडिया है लालवानी जी, क्या कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। थैंक यू सर। जयंती भाई, कॉन्सेप्ट से क्या होता है, स्क्रीन प्ले होना चाहिए, सॉलिड स्क्रीन प्ले। सर स्क्रीन प्ले सॉलिड है सर, आप मेरा वन लाइन एक बार सुन तो लीजिए सर, आप सच में कहता हूँ हिल जाएंगे आप। देख भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तुम स्क्रिप्ट रख जाओ, मैं देख लूंगा बाद में। जी ठीक है, आप ये कॉपी रख लीजिए सर, मेरी वैसे भी ये कॉपी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है सर, कोई बात नहीं आप रख लीजिए। ठीक है, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। बस सर एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब पढ़िएगा जरूर सर। अरे टाइम मिलेगा जरूर पढ़ेंगे। जी ठीक है, मैं चलूं सर, तो मैं आपसे कब कांटेक्ट करूं सर? मिलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फोन नंबर और एड्रेस इस स्क्रिप्ट में है जी। हमें जरूरत होगी तो हम तुम्हें खुद बुला लेंगे जी। अच्छा सर मैं चलता हूं सर। सर पढ़िएगा जरूर सर। अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप भी कमाल करते हैं लालवानी साहब, फ्री में स्क्रिप्ट मिल रही है, अगर अच्छी हुई तो कौड़ियों के दाम में मिलेगी। अरे भाई ये नया राइटर है, पता नहीं क्या लिखा होगा इसने।
जुर्म और कानून, लेखक कमलकांत मिश्रा। क्या है, स्क्रिप्ट है, ग्रेट आइडिया। ऐसी बैंक रॉबरी तो मैंने आज तक नहीं देखी ना पढ़ी। एकदम बेकार, फिल्म के लिए तो एकदम बेकार। हाँ, बैंक डकैती के लिए ठीक है। क्या मतलब है तुम्हें? देखो प्रकाश, समझने की कोशिश करो। आजकल ये डकैती वकैती का जमाना नहीं है। वैसे भी तुम्हारी सारी थ्रिलर फिल्में पिट चुकी है। देखो लता, तुम जानती हो मेरा टेस्ट क्राइम थ्रिलर में मुझे मजा आता है, और तुम शुरू से जानती हो मेरा माइंड क्रिमिनल है। ये सास बहू की स्क्रिप्ट मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हें अगर स्क्रिप्ट की समझ होती तो तुम्हारी फिल्में पिटती क्यों? वैसे एक सजेशन दूं, बुरा नहीं मानो तो तुम कोई अच्छी पारिवारिक फिल्म क्यों नहीं ट्राई करते? लाइक बहू भी कभी सास बनेगी या दूसरी पत्नी, ये सब कुछ आजकल बहुत चल रहा है। फिर भाई सास बहू वाली कहानी, ये स्क्रिप्ट क्या एनजी है? एकदम एनजी, फिल्म के लिए तो एकदम। हाँ, बैंक डकैती में ट्राई कर सकते हो। क्या बात है मिश्रा? कुछ नहीं यार, ये लालमणि जी के यहां से अभी तक बुलावा नहीं आया। 2 हफ्ते हो गए, अब तक तो उसने स्क्रिप्ट पढ़ भी ली होगी। वेरी सिंपल, उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई होगी, और क्या? इम्पॉसिबल। अरे ऐसी जबरदस्त स्क्रिप्ट है मेरी, उसका वो परमानेंट राइटर, क्या नाम उसका, राहुल भाटिया, वो जिंदगी में ये स्क्रिप्ट सोच भी नहीं सकता जो मैंने लिख दी है। तो खुद जाके क्यों नहीं पता कर लेता? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वही सोच रहा हूँ यार, कल सुबह जाता हूँ। यार जयंती, तुम बहुत स्लो हो यार, जरा फास्ट काम किया करो। अगर अगली फिल्म चाहिए तो फास्ट काम करो, छापो बस। अरे बड़े बड़े स्टार फेल हो रहे हैं। सर छापने में तो मैं मास्टर हूँ। गुड मॉर्निंग सर। लालमणि जी, गुड मॉर्निंग। कौन हो भाई तू, ऐसे कैसे चले आए यहाँ तू? जी सर, आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैं कमलकांत मिश्रा हूँ, राइटर। अरे भाई कोई स्टोरी लाए हो तो भूल जाओ इस बात, हमने अपनी नई फिल्म के लिए स्टोरी फाइनल कर ली। जी जी, लेकिन सर मैंने जो आपको स्क्रिप्ट दी थी उसका क्या हुआ? सर मेरी वाली स्क्रिप्ट का क्या हुआ? कौन सी स्क्रिप्ट? सर वो जुर्म और कानून सर, वो बैंक रॉबरी वाली फिल्म सर, वो आपको अच्छी लगी थी, आपके डायरेक्टर साहब ने भी बहुत तारीफ की थी सर। सर जी नमस्ते सर, मैं कमलकांत मिश्रा हूँ। 2 हफ्ते पहले आपके पास आया था ना, वो स्क्रिप्ट लेकर, आपको बहुत अच्छी लगी थी, आपने कहा था कि बनाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, स्क्रिप्ट छोड़ जाने के लिए भी कहा था आपने सर 2 हफ्ते पहले। ओ मिस्टर लालवानी, ये वो बैंक रॉबरी वाली स्टोरी की बात कर रहा है। अच्छा हाँ, वो स्क्रिप्ट। जी 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 जी, वही वही। आपको कैसी लगी सर? बिल्कुल बकवास है। अरे यार कुछ भी लिख के लिए आते हो तुम है? और अपने आपको राइटर कहते हो तुम? तुम्हारी स्टोरी वो पड़ी हुई है ऑफिस में, कभी भी ले जाना उसे तुम। सर, पता नहीं होगी भी रद्दी की टोकरी में पड़ी होगी। सर मेरी कहानी रद्दी की टोकरी में डालने जैसी नहीं है सर, बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट है सर, और मेरा दावा है सर कि आज तक ऐसी कहानी इंडियन पर्दे पर आई नहीं है। और मिश्रा जी आप ही नहीं सकती, हर स्टोरी का कोई सिरपैर होता है, कोई लॉजिक होता है, ऐसे ही जो मर्जी आया लिख दिया है? अरे पुलिस फोर्स का बेवकूफ है, बैंक वाले का बेवकूफ है, ऐसा कहीं हुआ है? जी ऐसा पॉसिबल है सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर। अरे यार क्यों बहस करते हो? अरे स्टोरी अच्छी नहीं लगी, बात खत्म हुई। सर ये बात अलग है सर कि आपको मेरी कहानी पसंद नहीं आई, पर प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी कहानी में मिस्टेक मत निकालिए सर, कमी मत निकालिए। अरे यार तुम अपना शॉट लगाओ ना, क्या बकवास की बात सुन रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, जैसा मैंने लिखा है वैसी बैंक रॉबरी हो सकती है सर, आप देख लेना सर।
घबरा मत था बेटा, मैं जल्दी आ रही, बस पैसे मिलते मैं आ रही। बेटा टेंशन मत लेना कोई भी। हाँ बिल्कुल नहीं घबराना बाबा, आ रही मैं, जल्दी आ रही। माफ करना भाई साहब, ये मैनेजर साहब का कमरा किस तरफ है? आइए मेरी तरफ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मुझे कुछ रुपया निकालना है। कोई बड़ी रकम है? जी नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपया। व्हाट? 1 करोड़ रुपया? इतनी रकम आपके अकाउंट में है क्या? जी नहीं, मेरे अकाउंट में तो नहीं है, लेकिन आपके बैंक में तो जरूर होगी। क्या मतलब? मतलब ये मैनेजर साहब कि आपका बैंक लूट चुका है। माय गॉड, देखो तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, बच के नहीं जा सकते तुम यहाँ से। शट अप, और मैं जो कहता हूँ वही करो। बाहर का मेन डोर बंद करो और सारे घर को अंदर बुलाओ। चलो हरी अप। खबरदार, तेरा पैसा। अगर जान प्यारी है तो कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फौरन रुपए लेकर नहीं पहुंची तो मेरी बेटी मर जाएगी। गज, इन सब लोगों को लेकर उस रूम में जाओ। और तुम जितना पैसा है बैग में भर दो, जल्दी करो जल्दी। चलो चलो, फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो दर्द से जान जा रही है, कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। Oh my God! पुलिस, चलो वहीं रुक जाओ। तुम लोग जो भी हो कान खोलकर सुन लो, बैंक को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सुनो इंस्पेक्टर, अगर किसी आदमी ने बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की तो यहाँ मौजूद हर एक आदमी के मौत के जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। मेरे लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम करो फौरन, ताकि मैं यहाँ से हिफाजत से निकल सकूं, वरना यहाँ मौजूद हर एक आदमी के मौत के जिम्मेदार तुम होगे। देखो देखो, तुम्हें रुपया चाहिए ना, रुपया ले लो तुम, लेकिन उन मासूम लोगों का जान लेने से तुम्हें क्या मिलेगा? देखो उनमें एक हार्ट का पेशेंट है और एक प्रेग्नेंट औरत है और एक औरत है जिसकी बेटी अस्पताल में एडमिट है। प्लीज प्लीज उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए। शट अप, जस्ट शट अप। अब क्या करें सर, हम इतने आदमियों का रिस्क नहीं ले सकते। राइट, जो अगर एक बार वो बैंक से बाहर आ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, उसके लिए एक गाड़ी का इंतजाम करना होगा। यस ठीक है, तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। साहब साहब, मेहता साहब मर जाएंगे साहब, उनको दिल का दौरा पड़ा है साहब। क्यों उस बेचारे की मौत का कारण बनना चाहते हो तुम? जाने दो उसे प्लीज, छोड़ दो उसे, जाने दो प्लीज, जाने दो उसे। ऑलराइट, सुनो इंस्पेक्टर, मैं एक क्रिमिनल जरूर हूं लेकिन बुरा आदमी नहीं हूं। यहाँ एक हार्ट पेशेंट है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ, तुम उसे अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम कर लो। ओह माय गॉड, दिवाकर एक गाड़ी का इंतजाम करना होगा। यस सर। ले लीजिए सर, इसमें पूरा 1 करोड़ रुपए। रख दो यहाँ पे। मुझे जाने दीजिए, मैं
वक्त पर रुपए नहीं लेकर पहुंचे तो मेरी बेटी मर जाएगी। Shut up! मैं आपके हाथ जोड़ती, पांव पड़ती, मुझे जाने दीजिए। Shut up! देखिए भाई, आप शक्लो सूरत से बहुत अच्छे आदमी दिखते हैं, क्यों ये पाप अपने सर पे लेना चाहते हैं? इन्हें भी आने दीजिए मेरे साथ, प्लीज। देखो, तुम इन दोनों को लेकर यहाँ से जाओ, और देखो अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारे मैनेजर और कैशियर दोनों को शूट करूंगा, समझे? जी सर। चलो आउट। आराम से चलो, जल्दी हवा दे, जल्दी। मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, नहीं तो मेरी बेटी दम तोड़ देगी। ओके ओके, ड्राइवर इसे सिटी हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी जल्दी, मेरी बेटी मर जाएगी। क्या हुआ कमला? क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेके चलो। अरे रुको रुको रुको, मैं कुछ कर रहा हूँ, रुको। भाई साहब कहाँ है वो आदमी, मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है मेरे साथ। सुनो इंस्पेक्टर, अब तक गाड़ी क्यों नहीं आई? अगर 10 मिनट के अंदर गाड़ी नहीं आती तो मैं यहां मौजूद हर एक आदमी को मार डालूंगा। साहब साहब साहब, मेरी औरत की पहली डिलीवरी है साहब, हम लोग अस्पताल में वक्त से पहले नहीं पहुंचे, ये बिचारी मर जाएगी साहब, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता साहब, वो मर जाएगी बिचारी, देखो तो कैसे मर जाने दो ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब किसी को नहीं छोड़ने वाला। आई एम श्योर दिवाकर, वो प्रोफेशनल लगेत नहीं है, एक तरफ तो लोगों को मांगने मारने की धमकी देता है और दूसरी तरफ लोगों पर रहम करता है, ऐसे आदमी पर हाथ डालना आसान होगा, हम उसे फंसा कर रखते हैं। सुनो इंस्पेक्टर, अगर फौरन मेरे लिए गाड़ी नहीं आती तो यहाँ मौजूद एक प्रेग्नेंट औरत तड़प तड़प के मर जाएगी, फिर उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। तुम्हारे लिए हमने गवर्नर की बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाई है, उसे आने में टाइम लगेगा, उस औरत को जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसे जाने दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, फौरन एम्बुलेंस का इंतजाम करो। ठीक है। अंदर कितने लोग हैं? यही कोई 10-12 स्टाफ के लोग हैं, उतने ही कस्टमर हैं। और वो? वो बिल्कुल अकेला है, गन के साथ। ओके। अगर वो अकेला है, यकीन उसका ध्यान कहीं बाहर की तरफ होगा। मैं पीछे से अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करता हूँ। ओके? बैंक में डकैती, एक डकैत पुलिस के सामने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर 1 करोड़ रुपया ले उड़ा। माय गॉड, क्या हुआ मिश्रा? अरे ये न्यूज़ पढ़ी तूने? फ्यूचर बैंक में डकैती ठीक उसी तरह हुई है जिस तरह मैंने अपने स्क्रिप्ट के लिए सोची थी। क्या बात कर रहा है? हाँ, एक एक डिटेल्स में ही तू पढ़ के देख देख। अरे मेरे को कैसे पता चलेगा यार, मैंने थोड़ा तेरी कोई स्क्रिप्ट पढ़ी थी। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, उसी की हरकत हो सकती है जिसने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी। कमाल है श्रीवास्तव, पुलिस की नाक के नीचे से पुलिस ही की मौजूदगी में कोई 1 करोड़ रुपए लेके, बैंक का 1 करोड़ रुपए लेके चंपत हो जाता है और पुलिस को खबर नहीं होती। कमाल, ये क्या न्यूज बनी? और सर सबसे कमाल की बात यह है कि पुलिस ने बैंक का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना तो वो डकैत मिला और नहीं रुपया। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो रुपया और डकैत दोनों गायब कहां हो गए। वैसे मुझे अंदाजा तो है श्रीवास्तव, लेकिन पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता।
लेकिन जिस किसी ने भी ये काम किया है मास्टरमाइंड है। अब कौन है ये मास्टरमाइंड? मैं। वही हो। भैया मेरे चैम्बर में क्या कर रहे हैं आप? मैं कमलकांत मिश्रा, और ये बैंक डकैती मेरे ही दिमाग की उपज है। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बैंक डकैती का प्लान मेरा ही बनाया हुआ है, लेकिन फिल्म के लिए, असल में डकैती के लिए नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। जी मैं बताता हूँ आपको, मैं एक राइटर हूँ और एक फिल्म राइटर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बैंक डकैती पर आधारित एक फिल्म लिख डाली। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं उस पर फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन डकैती जरूर हो गई। आई सी, तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी स्क्रिप्ट से इंस्पायर होके बल्कि सर मैं तो कहता हूँ बिल्कुल हूबहू। तो आपको इस बात का अंदेशा भी होगा कि वो रुपया और वो डकैत गायब कैसे हो गया? जी बिल्कुल, रुपया उस प्रेग्नेंट लेडी के कपड़ों में था और डकैत उन चार लोगों में से एक था जो बैंक द्वारा एक एक करके छोड़े। मेरा भी यही ख्याल है। सर अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरी स्क्रिप्ट देख लें। सर ये देखिए, इसमें डकैत द्वारा बोला हुआ एक एक डायलॉग स्क्रिप्ट के हिसाब से है। सर सर मुझे क्या पता था सर वो लोग ये स्क्रिप्ट लेकर फिल्म बनाने के बजाय डकैती कर लेंगे। वो लोग कौन, किसको सुनाई थी स्क्रिप्ट? ये प्रकाश प्रोडक्शन के मालिक प्रोड्यूसर प्रकाश लालवानी जी को। हाँ जी, प्रकाश लालवानी मेरा नाम है। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास ना तो कोई एक्सट्रॉर्शन आया है और ना ही अंडरवर्ल्ड से मेरा कोई संबंध है। जी हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी और सिलसिले में आया हूँ। आप किसी कमलकांत मिश्रा को जानते हैं क्या? कमलकांत मिश्रा राइटर? ओ, राइटर। इंस्पेक्टर साहब, क्या है कि अब आजकल हमारी स्टोरी हंटिंग का काम चल रहा है, उस सिलसिले में पता नहीं कितने सारे राइटर आते रहते हैं। अब कौन इतने सारे राइटरों के नाम याद रखे? लेकिन लालवानी जी, वो कमलकांत मिश्रा जी का ये कहना है कि उन्होंने आपको एक स्क्रिप्ट दी थी, एक कहानी दी थी पढ़ने के लिए, और मैंने ये कहानी चुरा ली। क्यों भाई? ये राइटरों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर साहब। पहले तो ये खुद कहानी लेकर आगे पीछे घूमते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी कहानी मार ली। भाई उनका दावा ये है कि कल जो वो बैंक रॉबरी हुई थी, वो फ्यूचर बैंक में जो रॉबरी हुई थी, वो रॉबरी हूबहू उनकी स्क्रिप्ट से मैच करती है, उस स्क्रिप्ट से जो उन्होंने आपको पढ़ने के लिए दी थी। कुछ समझाने इंस्पेक्टर साहब। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर लालवानी। दरअसल उस स्क्रिप्ट के अंदर एक सीक्वेंस था बैंक रॉबरी का, और कल किसी ने उस सीक्वेंस को हकीकत में बदल दिया। क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है। बिना पढ़े आप स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर देते? मैंने इनसे कहा था इंस्पेक्टर। आप हेमलता मेरी पत्नी, यही मेरी स्टोरी सेलेक्ट करती हैं और यही फाइनल भी कर। आई सी,
तो वो स्क्रिप्ट जुर्म और कानून आपने रिजेक्ट की थी। हाँ मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत घटिया स्क्रिप्ट लगी। मैंने इनसे कहा था कि आजकल बैंक डकैती वकैती देखता कौन है, बनानी है तो कोई सोशल फिल्म बनाओ, कोई फैमिली ड्रामा। वैसे आजकल सोशल सीरियल देख देख के तो लोग बोर हो गए हैं, शायद फिल्म चल जाए। इसीलिए मैंने एक सब्जेक्ट ओके किया है, क्या नाम है उसका, हाँ बहू अपनी और सास पराई। क्या इमोशन है, क्या ड्रामा है। मतलब आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी? हाँ पढ़ी थी, सिर्फ 2-4 पन्ने। उतने से ही मुझे पता लग गया था कि इस स्क्रिप्ट में बिल्कुल दम नहीं है। ऐसे कहीं बैंक डकैतियां पड़ती है? शायद आपको पता नहीं मिसेस लालवानी की कल एक बैंक रॉबरी हुई फ्यूचर बैंक में, और उस बैंक रॉबरी का जो स्टाइल था वो बिल्कुल आपकी इस स्क्रिप्ट जुर्म और कानून से मेल खाता है, एक सिचुएशन से। और हमें ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी ये स्क्रिप्ट पढ़ी हो उस रॉबरी से उसका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर हो सकता है। क्या मतलब है आपका? आपका मतलब है मेरी पत्नी ने बैंक में डकैती डाली है? ये कैसे हो सकता है? देखिए हमसे पहले वो कहानी पता नहीं उसने किस किस को सुनाई होगी, किस किस ने पढ़ी होगी। और वैसे भी वो कहानी हमारे डायरेक्टर जयंती शाह ने पढ़ी थी, और उन्होंने पढ़ते ही कह दिया था कि एकदम एंजी है। तो गोया ये स्क्रिप्ट आपके डायरेक्टर के हाथों से भी गुजर चुकी है। अच्छा वैसे कहां पाए जाते हैं आपके डायरेक्टर जयंती भाई शाह? मेरे ऑफिस में। नाइस फैंटास्टिक, तू ये गुड बेबी, यू गुड। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा मतलब है तुम्हें कोई नहीं रोक सकता हीरोइन बनने से। इसका मतलब है आप मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर रहे हैं? इस फिल्म में? यू मीन लालवानी की फिल्म में? नॉट एट ऑल, वो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तुम्हें तो अपनी फिल्म में मैं हीरोइन बनाऊंगा। आपकी फिल्म? यस माय ऑन प्रोडक्शन। नेक्स्ट मंथ ही मेरी फिल्म फ्लोर पर जा रही है। 1 करोड़ का इंतजाम तो हो गया है, बाकी का फाइनेंस हो जाए तो जल्दी शुरू कर दूं। दैट्स रियली ग्रेट। आप फिल्म उस बैंक रॉबरी के प्लॉट पर ही बना रहे हैं या कोई और प्लॉट है? नो, बड़े कैनवास की स्टोरी है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है। उसके लिए तो मुझे भी बैंक रॉबरी करनी पड़ेगी जैसे उस कहानी में लिखा है। वैसी बैंक रॉबरी हो चुकी है। What? जी हाँ, मिस्टर कमलकांत मिश्रा की कहानी, उनकी स्क्रिप्ट हकीकत में बदल चुकी है। आप? इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। श्रीवास्तव प्लीज कैरी ऑन। इंस्पेक्टर रॉबरी के बारे में किसने बताया आपको कि वो मिश्रा की प्लानिंग थी? ये बात मिश्रा ने हमें खुद बताई थी। एनीवे आप चलिए, आपसे कुछ बात करनी है हमें, और आप भी प्लीज। ओह माय गॉड, इसका मतलब है उसने खुद कबूल कर लिया। रॉबरी उसने की है? जी नहीं, ये रॉबरी मिश्रा ने नहीं की, बल्कि उसकी कहानी से आइडिया लेकर उससे इंस्पायर होकर किसी और ने किया, समझे आप? और आई एम क्वाइट श्योर कि ये काम उसी ने किया है जिसने मिश्रा की कहानी को पढ़ा है। ऐसा भी हो सकता है ये डकैती डालने वाले ने भी आइडिया वहीं से लिया हो जहां से मिश्रा ने खुद मारा है? ये आपका मानना है मिस्टर शाह, जबकि मिश्रा का ये कहना है कि वो प्लॉट, वो स्टोरी आइडिया उसका ओरिजिनल था, उसने कहीं से मारा नहीं था वो आइडिया। ओरिजिनल? ये क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर, आजकल ओरिजिनल कुछ होता है क्या? Oh.
बाय द वे मिस्टर शाह, वो स्टोरी मैं देखना चाहूंगा जो कि मिश्रा ने आपको दी थी। मुझे तो मिस्टर लालवानी ने एक छोटा सा नरेशन दिया था। लालवानी ने आपको नरेशन दिया था, जबकि लालवानी का कहना है कि वो स्क्रिप्ट उसने पढ़ी नहीं थी। उनका क्या भरोसा, वो तो ये भी कह सकते हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता। जस्ट ए मिनट इंस्पेक्टर, कई बार ऐसा इत्तेफाक से होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि दो आदमियों के थॉट एक जैसे होते हैं, और इत्तेफाक से इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आई थिंक इज राइट इंस्पेक्टर, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ठीक है मिस्टर कमलकांत जी, ये जो बैंक रॉबरी हुई है या आपकी स्क्रिप्ट की तरह से हुई है बिल्कुल मेल खाती है, लेकिन एक चीज मेल नहीं खाती, जिस आदमी को उन्होंने हार्ट पेशेंट बोल के छोड़ा है वो वाकई हार्ट पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब बिल्कुल साफ है सर, ये बैंक डकैती उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी। लेकिन मिश्रा जी, प्रकाश प्रोडक्शन के ऑफिस में तो सैकड़ों लोग आते जाते होंगे, अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट किसने पढ़ी और किसने नहीं पढ़ी? वैसे कमलकांत बाबू, आप क्लाइमेक्स क्या था स्टोरी का? क्लाइमेक्स तो देखिए अभी छोटा नहीं था, छोटा था कि चैप्टर डिस्कस करके लिख लेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि आपने एक कहानी लिखी है, आपने एक बैंक रॉबरी क्रिएट की है, तो उसका कोई ना कोई तोड़ तो सोचा ही होगा। अभी देखिए सर, जहाँ तक क्लाइमेक्स का सवाल है तो हम अपनी कहानी में तो अपने हिसाब से मुर्जिम से जो चाहे गलती करवा लें और उसके हिसाब से फिर क्लाइमेक्स तक पहुँच के एंड कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में तो ये जरूरी नहीं है ना कि कोई भी मुजरिम वैसी ही गलती करेगा जैसे हम चाहते हैं। ये शायद आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी आपके हिसाब से इसका क्लाइमेक्स क्या था? अब जैसे कि आपने ये पढ़ा है तो उसमें बैंक डकैती के वक्त जो हमारा हीरो है वो बैंक में मौजूद रहता है और वो इत्तेफाकन उन डकैतों को जानता है, तो उसके जरिए, उसके क्लू के जरिए पुलिस जो है वो डकैतों तक पहुंचती है और केस सॉल्व होता है। लेकिन सर, ऐसे इत्तेफाक सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत में नहीं। सच्चाई तो ये है कि उन डकैतों को पहचानने वाला बैंक में कोई था ही नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना श्रीवास्तव कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्वाइट पॉसिबल श्रीवास्तव कि ऐसा कोई शख्स उस बैंक में रहा होगा जो उन मुजरिमों को आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें पहचान सके। आपने देखा, ये है मिस्टर मेहता, उस फ्यूचर बैंक रॉबरी के शिकार और हार्ट अटैक के मरीज। इन्हें बैंक से निकलने का मौका मिला, लेकिन उनका अभी होश में आने के बाद ये कहना था कि ये उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने बैंक में डकैती डाली थी। लेकिन उनके ये बताने से पहले ही उन्हें फिर से दौरा आ गया और अब डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा है। अब हमें इस बात का इंतजार है कि वो कब होश में आते हैं। अब उनके घर वालों को ही नहीं बल्कि डॉक्टरों और पुलिस को भी उनके होश में आने का इंतजार है कि अब शायद मिस्टर मेहता इस पहेली को सुलझा सके। जिंदा रहेगा तो पहेली बुझाएगा ना। साहब, पता नहीं न्यूज चैनल वाले कैसे अंदर घुस गए, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ मिस्टर मेहता के पास मैं और मेरे स्पेशल स्टाफ के अलावा अंदर कोई नहीं आएगा। दैट्स बेटर डॉक्टर। फिर भी एहतियातन मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया,
हेलो डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर चौहान हूँ। मिस्टर मेहता का क्या हाल है? ठीक है, लेकिन उन्हें जब तक होश नहीं आया तब तक तो यस यस बिकॉज मार के क्या करेगा ये? मिस्टर मेहता ऑलरेडी मर चुके हैं। जी हाँ, मुझे पता था ये न्यूज मिलते ही तुझ जैसा बेवकूफ इन पे हमला करने की जरूर कोशिश करेगा, और तुमने किया। कोई बात नहीं कमलकांत मिश्रा जी, जरा इधर आइए और पहचान के बताइए कि यही है वो आदमी। ये तो त्रिपाठी है, वो आदमी जिसने मेरी स्क्रिप्ट टाइप की थी, टाइपिस्ट। भगवान, कहानी का ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था। टाइपिस्ट, वाकई कहानी का ये एंगल तो किसी ने नहीं सोचा था। अरे तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? तो क्या करता मैं, टाइपिस्ट बनकर क्या मक्खियां मारता रहता? तंग आ गया था मैं इस नौकरी से। आजकल के इस कंप्यूटर के जमाने में हम जैसों को पूछता कौन है? मैं भी एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, बहुत पैसे कमाना चाहता था, पर उसके लिए बैंक रॉबरी। त्रिपाठी, बैंक रॉबरी? ये आइडिया भी मुझे तुम्हारी कहानी टाइप करते करते सूझा। मैंने सोचा क्यों ना इसे भी आजमाया जाए, पुलिस वालों के सामने सारा पैसा भी लूट लो और कोई मुझ पर हाथ भी ना डाल सके। तुम्हारी लिखी हुई कहानी के मुताबिक मैं एक अंधा बूढ़ा आदमी बनकर बैंक में पहुंचा। बैंक में मौजूद प्रेग्नेंट औरत और उसका पति मेरे ही आदमी थे। मैंने सारा रुपया पोटली बनाकर अपनी साथी उस प्रेग्नेंट औरत के कपड़ों में छुपा दिया, जो झूठ मूठ के प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही थी। और फिर मैंने वार्ड बॉय को बेहोश किया और उसके कपड़े पहनकर उसी एम्बुलेंस में वहां से निकल गया। बस यही तुम मात खा गए। हाथ तो तुम पे मैंने डाल ही दिया, दूसरे का दिमाग इस्तेमाल करके जो तुमने बैंक रॉबरी की इसमें तो तुम कामयाब हो गए। इसमें क्लाइमेक्स नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब जब तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल करके गवाह को मारने की कोशिश की, यहां पर आके तुम फेल हो गए। ये थप्पड़ वर्दी को बदनाम करने के लिए। श्रीवास्तव सर, अरेस्ट हिम। वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने तो वो कर दिखाया जो मेरी कहानी का हीरो भी ना कर पाया। वैसे मिश्रा जी, इस
कहानी का इससे अच्छा अंजाम, इससे अच्छा क्लाइमेक्स और वो भी कह सकता है। वो कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक इंस्पेक्टर भारत, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एक छोटा सा टाइपिस्ट इतनी बड़ी बैंक रॉबरी कर सकता है। यस, ये सब कुछ मिस्टर मिश्रा के दिमाग का कमाल है। वैसे एक बात कहूं, ये सब्जेक्ट ट्रेंड चेंज कर देगा। वैसे भी लोग सास बहु से इतना बोर हो चुके हैं। मिश्रा, अगर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा होता तो मैं कभी रिजेक्ट नहीं करती। अरे ग्रेट आइडिया मिश्रा, यार तुम ये स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। ये तो रियल इंसिडेंट है, कहानी नहीं है, ट्रू स्टोरी, ट्रू स्टोरी। अरे नहीं सर जी, ये कहानी मैं आपको नहीं दे सकता। जरा सोचिए कि इस फिल्म ने बनने से पहले अगर किसी को डकैत बना दिया हो, और अब एक बार फिल्म रिलीज हो जाएगी तो सारा हिंदुस्तान डकैत बन जाएगा भाई। आई एम सॉरी मिस्टर मिश्रा, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं। आपकी कहानी ने मिस्टर त्रिपाठी को इसीलिए उकसाया क्योंकि उस कहानी में अंजाम नहीं लिखा हुआ था, आपने क्लाइमेक्स नहीं लिखा हुआ था। अभी अंजाम देखने के बाद लोग ये जान जाएंगे कि कथनी और करनी में क्या अंतर होता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फर्क होता है।